ओम एस्ट्रो वास्तु चैनल में भाई वीरेंद्र सक्सेना का नमस्कार। अगरबत्ती भाइयों, अगरबत्ती सब लोग जलाते हैं, आज हम बताएंगे अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए, इसके नुकसान ही नुकसान है, फायदा तो आई नहीं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में अगरबत्ती का प्रयोग पूर्णता वर्जित बताया गया है। कारण, बांस से बनी होती है और बांस को दाह संस्कार में भी हम नहीं जलाते, इसको जलाकर खाना भी नहीं बनाते, तो फिर अगरबत्ती बांस से बनी हुई भगवान को कैसे प्रसन्न करेगी। अज्ञानतावश सभी हम हिंदू लोग अगरबत्ती को पूजा करते हैं, क्योंकि दूसरे धर्मों में इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है। खुशबूदार अगरबत्ती घर में अगर हम जलाते हैं तो मान लो उससे वायु प्रदूषण तो होता ही है, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करती है। बांस की बनी अगरबत्ती से पितृ दोष लगता है। अगरबत्ती केमिकल से बनती है, अब केमिकल से बनी हुई अगरबत्ती से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। पूर्वजों ने हमें बताया है कि बांस जलाने से वंश चलता है, वंश का नाश होता है। वैज्ञानिक रूप से भी बता देते हैं आपको कि बांस जलाने पर जो धुआं निकलता है वो फेफड़ों से होकर खून में मिल जाता है, और यह हमारी प्रजनन क्षमता को भी कम कर देता है। आदमी नपुंसकता की ओर बढ़ने लगता है। फेफड़ों में धुएं के कण जमा होने के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है, काम वासना हमारी कम हो जाती है, व्यक्ति का चित्त इस कारण अनबैलेंस रहता है। काम वासना एक बहुत ही जरूरी कार्य है हर व्यक्ति के लिए, इसको अनबैलेंस नहीं होना चाहिए। इसके धुएं से, अगरबत्ती के धुएं से छींक की बीमारी हो जाती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। अब हम बताते हैं इसकी जगह क्या यूज करें। गाय के गोबर में गूगल, घी, चंदन, कपूर, इन चीजों को मिला के जलाएं तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध घी का दीवा जलाएं, 10 ग्राम शुद्ध घी का जलाने से जो 1 टन वायु शुद्ध होती है, इससे प्रसन्न होंगे प्रभु। अतः अगरबत्ती से दूरी बनाकर रखो। गूगल की धूप, हवन सामग्री, घी का दीवा जलाओ, मन की शांति आएगी, नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल गायब हो जाएगी, शुद्ध वातावरण आएगा, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मित्रों धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले समय में मेरे हर वीडियो समय पर मिलते रहें और आपका मार्गदर्शन और ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।